नमस्कार दोस्तों, मैं एके मलिक एक प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज ट्रेनर और साथ में सोशलिस्ट हूं और सोशल काम भी करता हूं थोड़े से। अभी एक यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस लेके आता हूं जिससे आपके सामने जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके बारे में हम सिंपल से शब्दों में चीजों को समझ सकें। देखिए, अभी मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था ब्लैक फंगस के ऊपर और उससे रिलेटेड मुझ पर मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे फ्रेंड्स ने मैसेजेस किए, व्हाट्सएप भी किया और पर्सनल मुझे कॉल भी किया कि सर इसके बारे में कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस येलो फंगस में फर्क क्या है, आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको सामान्य फ्लू है या आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, इससे किन किन लोगों को ज्यादा तकलीफ हो सकती है, कौन कौन इससे सेफ रहेंगे और इसका क्योर क्या किया जा सकता है, इससे प्रिकॉशंस क्या है और इसको किस तरह से इलाज किया जा सकता है, उन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसको बहुत खतरनाक बीमारी मान के आप चलिए, बहुत लापरवाही में नहीं, क्योंकि COVID-19 अगर आपको होता था तो COVID-19 में जो मॉर्टेलिटी रेट था जो वो था लगभग 1% to 3%। मतलब अगर आपको कोविड हो जाता है, किसी पेशेंट को कोविड हो जाता है तो 90% से ऊपर चांसेस है, 95-97% तक चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा, 2-3% चांसेस है कि उसको डेथ हो सकता है। लेकिन अगर ब्लैक फंगस है या फिर व्हाइट फंगस या येलो फंगस है तो फिर इसमें मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो आपका 50% से ऊपर का मॉर्टेलिटी रेट है, यानी 50-60% चांसेस है, 70-80% तक भी चांसेस है कि पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसको जो कहा जा रहा है बार बार, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, तो इसको वास्तव में सीरियसली लीजिए, लाइट इसको बिल्कुल ना ले। अब आते हैं सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, इसके कुछ भ्रम है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये गवर्नमेंट की एक चाल है, ये अभी हमारी कंट्री में क्यों आ रहा है, अभी इसको चीजों को इस तरह हाइक क्यों दिया जा रहा है, ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि फंगस वायरस और बैक्टीरिया, आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जिस ब्रह्मांड कह लीजिए या फिर जिस वायुमंडल को आप कहते हैं, उसमें हजारों लाखों साल से, जब से आपका जनरेशन नहीं हुआ उससे पहले से ही बैक्टीरिया फंगस और वायरस यहां पे है। लेकिन हम लोगों ने क्या होता है कि इतने करोड़ों बैक्टीरियाज हमारे आसपास हैं, इतने करोड़ों बैक्टीरिया हमारे पास में है, फंगी हमारे पास में है या वायरसेस हमारे पास में है, फिर भी हम पे अफेक्ट नहीं आता, हम इसके इफेक्शन में नहीं आते हैं। कारण क्या है इसके कि हम इसके अफेक्शन से बच जाते हैं? देखिए, इसको जो ना पॉजिटिव वे में लीजिए, आपको कहा जाता है आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, जंक फूड्स मत खाइए, आप ये पिज्जा बर्गर इन चीजों से बचिए जितना आप इनसे बच सकते हैं, ज्यादा मीठा नहीं खाना है, ज्यादा नमक नहीं खाना है। तो वो लोग बेवकूफ नहीं थे जो बार बार आपसे चिल्ला रहे थे, समझिए इन चीजों को, आपकी हेल्थ है और आप ही के हाथ में है, तो अपनी हेल्थ को जितना उसे स्ट्रॉन्ग करना है कीप कर सकते हैं, जितना बर्बाद करना है कर सकते हैं। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप पर इन चीजों का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ डाउन हो चुकी है तो आप पर इन चीजों का इफेक्ट हो जाता है, वही वायरल फीवर होता है, वही फंगल इन्फेक्शन होता है, वही बैक्टीरियल केसेस होते हैं। अब आते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन आखिर लग किसको रहा है और ये COVID-19 के साथ में ही इसका इतना बड़ा जनरेशन क्यों हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ कि COVID-19 के बाद ही इंडिया में 10-12 हजार केसेस एकदम आ गए और इसको महामारी घोषित कर दिया गया। अभी कोविड से बचे थे फिर इसको महामारी घोषित कर दिया गया। इसका भी एक सीधा सा कारण है, जब किसी आदमी को माइल्ड कोविड हुआ, माइल्ड कोविड का मतलब है उसमें कोविड के सीवियर लक्षण नहीं थे, तो डॉक्टर्स के पास में कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो था नहीं, तो कुछ डॉक्टर्स ने क्या किया, माइल्ड केसेस को भी, जो माइल्ड केसेस हैं उनको भी डॉक्टर्स ने एस्टेरॉइड देना स्टार्ट कर दिया। हालांकि एम्स के डॉक्टर्स ने या फिर और दूसरे फर्दर डॉक्टर्स ने इस पर रोक लगाई बाद में कि माइल्ड केसेस में आप कभी भी एस्टेरॉइड ना दीजिए। अब एस्टेरॉइड देने से क्या हुआ, उसका कोविड तो ठीक हो गया, उसको सेचुरेशन ठीक हो गया, उसके ऑक्सीजन लेवल सही हो गया, लेकिन एस्टेरॉइड आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म कर देता है। अब कोविड ठीक हो चुका, बंदा घर पहुंच चुका, लेकिन इम्यून खत्म हो चुका था, इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन हो चुका है और पेशेंट के आसपास में बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा वायरस, बहुत सारा फंगस घूम रहा है और उसका इफेक्ट उस पर हुआ। तो जिन पेशेंट का कोविड अभी ठीक होके हटा है उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। दूसरा किसको चांसेस है, जिसका डायबिटिक लेवल
अप एंड डाउन रहता है या डायबिटिक लेवल वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है, उनको समस्या है। तीसरा, किसी व्यक्ति का जिसका भी कीमोग्राफी हुआ हो, वो कैंसर पेशेंट है, तो कैंसर पेशेंट का अगर वो कीमोग्राफी के अंदर चल रहा है तो उसको वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक अगर किसी का कोई बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ हो, अगर ये ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी उस पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन लग सकता है। समझ गए मेरी बात को आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो आपके आसपास में इस तरह के पेशेंट्स हों जिनको ये डिजीज हुई है, कोविड हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, इस तरह की डिजीज हुई है, तो उसको बहुत केयरफुल रखिए। दूसरा, आपको खुद को भी सेफ रखना है क्योंकि फंगल आपके चारों तरफ है जिसका इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो आपको भी खुद भी केयरफुल रहना है, अपना इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रांग रखना है, न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी है, यही इसका एक बचाव है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस में फर्क क्या है। तो बहुत सीधा सा एक फर्क है, समझ लीजिएगा, दोनों ही एक ही तरह के होते हैं। मैं इसको टेक्निकल नेम बताऊं या इसका बॉटनिकल, जूलॉजिकल, जो भी नेम्स चलते हैं, डॉक्टर लैंग्वेज में क्या नेम चलता है, कौन सी फैमिली का है, वो बड़े बड़े नामों से आपको कोई लेना देना नहीं है। जानते हैं हम भी, आप भी जानते हैं, उसे चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में, साधारण शब्दों में समझिएगा। ब्लैक फंगस जितना खतरनाक है उससे 10% फालतू खतरनाक मान लीजिए व्हाइट फंगस को। कारण समझ लीजिए क्या होता है, ब्लैक फंगस आपकी गर्दन से ऊपर इफेक्ट करता है, ये आपकी नोज में आएगा सबसे पहले, और नोज में आएगा तो आपको ऐसे सिम्टम्स देगा कि जैसे आपको जुकाम हो गया है, और जुकाम के साथ साथ इसमें एक म्यूकस निकलना स्टार्ट हो जाता है जो ब्लैक या ग्रीनिश कलर का है, जिसमें बहुत बदबू आती है, ठीक है। उसके बाद में आपके ये मुंह में जाता है और मुंह से फिर आपका जो अपर लिप्स है, नॉस्ट्रल है, वहां का कलर चेंज बनना स्टार्ट, कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर रेडनेस आ जाएगी, ब्लैकनेस आ जाएगी, और वहां पर ब्लैक कलर के धब्बे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर कुछ ही घंटों बाद ये आंख में पहुंच जाता है। ये ब्लैक फंगस समझा रहा हूं आपको, वो आंख में पहुंच जाता है, और जैसे ही वो आंख में पहुंचता है तो आंख की कैविटी से ही वो पहुंचता है ब्रेन के अंदर, और जब वो ब्रेन में पहुंच जाता है तब ये सबसे खतरनाक हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को और डॉक्टर्स को सिर्फ कुछ घंटे मिलते हैं, दिन भी नहीं मिलते, इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि स्प्रेड बहुत जल्दी होता है। दूसरा है व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है, वो किडनी में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, इवन आपके स्किन में हो सकता है, नाखून में हो सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है व्हाइट फंगस। इसलिए व्हाइट फंगस को ज्यादा खतरनाक कैटेगरी में रखा जाता है ब्लैक फंगस में, लेकिन तकरीबन दोनों ही डिजीज क्लियर करते हैं, दोनों ही एक ही डिजीज होती है और दोनों ही लगभग फैटल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर इनसे कैसे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, अभी तक जितने भी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है, इसका पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है फंगल इन्फेक्शन को कैसे क्योर कर सकते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन पहले भी था, व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस के इफेक्ट पहले भी थे, लेकिन उस टाइम पर कोविड नहीं था। कोविड होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत डाउन हो गया, जिस वजह से फंगस के केसेस बढ़ गए। डॉक्टर्स के पास में कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, ना आयुर्वेद में इसकी कोई मेडिसिन है, ना एलोपैथ में है, ना होम्योपैथ में, कहीं भी इसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है जिसको कह सकते हैं कि इस ड्रॉप को डालिए आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका अब तक जितने भी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशन। आप कभी ऐसे एटमॉस्फेयर में ना रहें जहां पर फंगल इन्फेक्शन हो, बासी रखी हुई रोटियों को कभी ना खाएं, पुराने कपड़ों को चेंज करते रहें, मास्क बार बार बदलते रहें, पुराना मास्क जो 3-4 हफ्ते आप यूज कर रहे हैं उसे यूज ना करें, उसे फेंक दें, भले ही वो कपड़े का है, वो कैसा भी, बहुत लोग होते हैं धो के मास्क पहनते रहते हैं, डॉक्टर्स इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि बैक्टीरिया को धोया नहीं जा सकता इस तरह से, फंगस को इस तरह से धोया नहीं जा सकता है। तो कोशिश करें कि आप मास्क को रिपीटेडली बदलते रहें। जो पेशेंट ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन लगाया हुआ है डॉक्टर्स ने, तो उसका जो वाटर है उसको फ्रीक्वेंटली बदलते रहे, और अगर वो वाटर आप आरओ का या उसमें फिटकरी डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छा है, ये भी डॉक्टर्स ही बताते हैं आपको, तो फ्रीक्वेंटली उसे बदलिए उस वाटर को। तीसरा चीज, कभी भी मॉइस्चर ना आने दें अपने जो आपके अंडरगार्मेंट्स हैं या आपके जो कपड़े हैं, ठीक है ना, उनको कभी भी मॉइस्चर से बचा के रखिए, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। फिर ऐसे कमरे में ना सोएं, प्रिकॉशन समझिएगा बहुत ध्यान से, आपका घर है और आपके घर में एक कमरा ऐसा जरूर होता है जिसका टेम्परेचर दूसरे कमरों के मुकाबले और हमेशा कम रहता है,
जैसे बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 30 है, किसी कमरे का 25 है, तो एक कमरा ऐसा होता है वहां का टेम्परेचर लगभग 18 या 20 के आसपास होता है, दूसरे कमरों से उसका टेम्परेचर कम होता है। तो जब टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब है कि वहां पर सन रेज नहीं पहुंच रही है, वहां पर हीटअप नहीं हो पा रहा है, तो वहां बैक्टीरिया या फिर फंगस के उगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कमरे में बहुत ज्यादा ना सोए, वो आपको इन्फेक्ट करेगा 100%। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके घर में एक कमरा होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है, आपको उस कमरे से बचना है। ये कुछ प्रिकॉशंस है। टंकी का पानी रेगुलर साफ करते रहिए, उसमें काई जम जाती है, वो भी एक बैक्टीरियल फंगल ही होता है, उससे आप बचिए। रेगुलर फ्रीक्वेंटली आपके छत के ऊपर जो टंकी है उसको साफ करते रहिए। तीसरी चीज, अगर पानी में बदबू आ रही है तो उस पानी से बचे, पानी को उबाल के पिए बहुत अच्छा है, और रेगुलर अपना सैनिटाइजेशन जो होता है, पर्टिकुलर सैनिटेशन होता है, उस पर बहुत ध्यान रखिएगा। हाइजीन पे ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, यही इसका एक बचाव है। अपने इम्यून को स्ट्रांग कीजिए, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए। जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वही आपका प्रिकॉशन होता है। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पर्टिकुलर मेडिकेशन के थ्रू नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसका ट्रीटमेंट ये है कि जिस पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हुआ, जितना जल्दी हो सके उस पार्ट को एम्प्यूटेट कर दिया जाए, उस पार्ट को बॉडी से अलग कर दिया जाए काट के, वही इसका अभी तक एक ट्रीटमेंट है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी लाइफ बची है, वो सिर्फ तब बच पाए हैं जब उनकी आंखें निकाल दी गई, दोनों आंखें निकाल दी गई, नाक के आसपास का एरिया काट के, जबड़ा काट के बाहर निकाल दिया गया। यही हो रहा है, डॉक्टर्स नहीं बताएंगे आपको क्योंकि पैनिक फैल सकता है। मेरे पास वीडियोज है, फोटोज है, पर मैं उनको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ना पेशेंट से परमिशन ली है और ना ही उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे आप विचलित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। पर हम देखते हैं उन फोटोज को। मेरे पास जयपुर से कुछ फ्रेंड्स ने फोटोज भेजे हैं, डॉक्टर्स ने फोटोज भेजे हैं, वीडियोस भेजी हैं। हम खाना नहीं खा सकते उन फोटोज को देख के। तो आपसे एक गुजारिश है, प्लीज COVID-19 को जितना हल्के में आपने ले लिया, फंगल इन्फेक्शन को उतना हल्के में ना लें। प्रिकॉशंस पे ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन पे ध्यान रखें, बेवजह बाहर घूमने से बचें, जितना हो सके घर में सुरक्षित रहें। इसमें सिर्फ जानकारी ही बचाव है और कुछ इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर किसी को हो जाता है, किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसके सिम्टम्स को समझें, तुरंत डॉक्टर को जितना जल्दी हो सके कंसल्ट करें, यही उसकी जान को बचा सकता है। शुरुआती स्टेज में पकड़ जाएगा ये केस तो जान बच सकती है, कुछ ही घंटे आपको मिलेंगे, 2-4-5 घंटे, उसके बाद ये केस हाथ से निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। बाकी और कोई आपको कमेंट चाहिए, और कोई किसी चीज पे आपको बाइट चाहिए, या किसी और चीज पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस वीडियो को जितने लोगों को पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, और अपना अपनी फैमिली का विशेष ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।